नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे गार्डन में जो 52 प्लस वेराइटीज़ के जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर्स खिल रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए जैसे हिबिस्कस में काफ़ी सारे जो है कलर्स और वेराइटीज़ के आते हैं, अगर उनको अगर एक एक को गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है 150 से ज़्यादा जो है वो हो जाएंगे। पर मैं जैसे एक एक जो है वेराइटीज़ वो उनके सारे जो है फ्लावर्स में आपसे शेयर करूँगी, उनके नाम भी बताऊँगी। तो चलिए फूलों वाले गार्डन का टूर करते हैं। तो सबसे पहला जो है एक्जोरा, एक्जोरा में जो है काफ़ी सारे जो है अभी मस्त फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें जो है मेरे पास में ये कॉमन वेराइटी का मेरे पास में हाइब्रिड कलर में वाइट कलर है, पिंक कलर है और येलो कलर है। यहाँ पर देखिए एक पेड़ में जो है मैंने यहाँ पर बलून फ्लावर है, पर्सलेन है, पोचलुक का, इनको जो है इस तरह के जो है वेस्ट जो हैंगिंग पॉट है उनमें मैंने इस तरह से सजा दिया है। देखिए और इनमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। और देखिए विन का सदाबहार कितनी बढ़िया जो है अभी फ्लावरिंग कर रहा है। नेक्स्ट जो है हिबिस्कस, ये पिंक और ये वाइट, देखिए कितने सुंदर तरीके से ये खिल रहे। अभी जो है सुबह का टाइम है इसलिए जो है पूरी तरह से इसके फ्लावर जो है खिले नहीं है, और जब दोपहर हो जाती है 11-12 बजे के बाद में जो है इसके पूरी तरह से जो है इसके फ्लावर जो है खिल जाते हैं। तो मेरे पास में जो है हिबिस्कस के काफ़ी सारे जो है वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट जो है ये है डबल पेटल वाला हिबिस्कस, ये देसी वेराइटी का है। और इसके बाजू में जो है ये पाउडर पफ, इसमें जो है अभी फ्लावरिंग आज नहीं हुई है। और ये श्रीम प्लांट है ये रेड कलर का, तो इसमें मेरे पास में इसमें दो कलर है, येलो कलर और एक ये रेड कलर। तो इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और नेक्स्ट जो है ये जूही का प्लांट है, तो इसमें भी देखिए अभी बर्ड्स बन रही है, तो अभी इसमें भी जो है अभी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। और बोगनविलिया भी देखिए बहुत ही बढ़िया से खिल रहे। और मेरे पास में जो है ये पीच कलर है, इसे जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और इसकी कटिंग जो है मैंने आपसे शेयर भी की थी। नेक्स्ट जो है ये है पेंटास, और इसे जो है ये पूरी तरह से मेरा सूख गया था, इसे मैंने हार्ड प्रूनिंग जो करके इसे दोबारा से रिपॉट कर दिया था और छाया वाली जगह पे रख दिया था। और आप देख सकते हो इसमें कितनी बढ़िया जो है ग्रोथ हो रही है और इसमें जो है फूल भी खिल रहे हैं। नेक्स्ट मेरे गार्डन में जो है कनेर के प्लांट भी देख सकते हो आप कितने बढ़िया तरीके से खिल रहे। इसमें भी जो है काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, वेराइटीज आते हैं, पर मुझे जो है पिंकी कलर मिला था तो मैं यही लेकर आई हूँ, मुझे अभी इसके और भी कलर्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट मेरे इसमें जो देखिए रंगून क्रीपर, जिसे मधुमालती और झुमका बेल भी बोलते हैं, इसमें ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, इसमें भी इस साल जो है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और ये है गैलाडिया, मेरे पास में रेड और येलो कलर है और जो है मिक्स। और देखिए मिराबिलिस जल्पा, जिसे 4 o'clock भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से जो है मेरे गार्डन में, इसके 3 कलर हैं। और देखिए येलो वाला, और इसमें जो है मेरे पास में डबल पेटल में रेड कलर भी है और सिंगल पेटल वाला भी है। तो इसके जो फूल है मैं पूजा के लिए तोड़ती रहती हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो केना लिली का, कितने सुंदर जो है इसमें शेडेड में फ्लावर्स खिल रहे, बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो है अभी दूसरी बार जो है ये फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास में वेरीगेटेड वाला भी है। चांदी में भी देखिए अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, इसे भी जो है मैंने हार्ड प्रून करके इसे दोबारा से रिपॉट कर दिया था, अच्छे से खाद दे दिया था। और मेक्सिकन पिटूनिया में भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आप देख सकते हो इसमें सब में जो है अभी कलियाँ बनी हैं, तो रोज़ जो है इसमें चार पाँच जैसे फ्लावर्स खिलते हैं। और ये डबल पेटल वाला हिबिस्कस, जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नेक्स्ट इधर आप देख सकते हो शेवंती, जिसे क्रिसैंथेमम गुलदावरी बोलते हैं, और देखिए ये भी मेरे गार्डन में कितने अच्छे से खिल रहे। इसमें देखिए काफ़ी जो है बर्ड्स बनी है, और देखिए ये जो फूल है अभी खिलने ही वाले हैं। और देखिए एक्जोरा मेरे पास में रेड और ये है लैंटाना, ये हाइब्रिड वैरायटी का है। और यहाँ पर जो है डबल चांदनी, तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है। और ये मिनी चांदनी का प्लांट है, इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं चांदनी के। और ये देखिए येलो वाला एक्जोरा, ये भी बहुत ही बढ़िया जो है अभी फ्लावरिंग कर रहा है। नेक्स्ट नीचे में जो है सारे मैंने पर्सलेन मॉस रोज रखे हैं, ये सारे जो है कटिंग से ही लगाए हैं। और आप देख सकते हो हैंगिंग बास्केट में भी जो है अभी बहुत ही बढ़िया जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए ये येलो वाला कितना सुंदर लग रहा है, और रेड वाला इसमें भी अभी फूल खिल रहे हैं। तो ये जो है फूल सुबह के टाइम पे खिलते हैं, जैसे ही 12 बजने के बाद में जो है इसके फूल पूरे से जो है मुरझा जाते हैं। देखिए ये वाला भी पर्सलेन का भी बास्केट कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस साइड जो है ये देखिए मिराबिलिस, इसमें 3 कलर है। और मैंने गैलाडिया को भी जैसे सीड से ग्रो किया था, और गेंदा भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। इधर सारे कॉस्मोस, ये भी मैंने सब सीड से ही ग्रो किए थे। ऊपर में जो है मेरे पास में हाइब्रिड, सारे जो आप देख रहे हो ये हाइब्रिड वेराइटी के, ये हिबिस्कस के प्लांट हैं।
तो मेरे पास में जो है कॉमन वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी मिला के 12 वैरायटीज़ के मेरे पास में हिबिस्कस के प्लांट्स हैं। तो आप देख सकते हो नीचे में पूरे जो है मैंने पर्सलिन रखे हैं, इसमें येलो, पिंक और जो है ऑरेंज कलर मेरे पास में है। और देखिए टिकोमा का प्लांट और ये जीनिया के भी देखिए फ्लावर्स खिल रहे हैं। इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया था। ये मैंने सारी एक ही पॉट में जो है सबकी कटिंग्स लगा दी थी मॉस रोज की। और इधर जो है ये ग्रॉम फ्रेना ये सारे सीड से ग्रो किए, कितनी बढ़िया इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और ये बीन का, और नीचे में जो है मेरे पास में वर्बिना अभी भी चल रहा है आप देख सकते हो, और ऊपर में सारे जो है। और देखिए ये है श्रिम प्लांट, ये येलो वाला जो मैंने आपको रेड वाला शुरू में बताया था। और ये सारे कलांचो के फ्लावर्स अब देखिए ये, और ये जो है ये जीनिया है और ये श्रिम प्लांट, इसे जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। और यहाँ पे ग्रॉम फ्रेना भी बहुत अच्छे से खिले, देखिए लैंटाना ये जो है पर्पल वाला है, और यहाँ पर जो है वर्बिना ये वाइट, नीचे कोचिया रखा है। और देखिए वाइट वाला जो है ये एक्जोरा का प्लांट है, इधर ये बोगनविला वाइट वाला, ये भी आप देख रहे हो ये वर्बिना है। और ये देखिए ये है ट्रम्पेट वाइन टिकोमा जैसे बोलते हो। और देखिए ये जो है ये सनफ्लावर के प्लांट्स हैं, इन्हें मैंने सेट से ग्रो किया था। यहाँ पर देखिए वर्बिना अभी भी मेरे पास में खिल रहा है, और इधर सारे जो है मॉस रोज कितने बढ़िया से जो खिल रहे हैं, मैंने इसका जो है वीडियो भी आपसे शेयर किया था। ऊपर आप देख सकते हो मोगरा, ये तीसरी बार जो है इतनी बढ़िया जो है फ्लावरिंग कर रहा है। फर्स्ट टाइम जो मैंने नर्सरी से लाया था तब फ्लावरिंग करी थी, नेक्स्ट टाइम मैंने आपसे शेयर कर दी, अभी जो है थर्ड टाइम है। और ऊपर में सारे जो है ये यूफोरबिया मिले के फ्लावर्स कितने बढ़िया से खिल रहे हैं। और ये सारे जो है सनफ्लावर जिसे मैंने सीड से ग्रो किया, इधर ये एडेनियम, और ये सारे जो है इधर बिनका भी जो है मैंने सीड से ग्रो किए, काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें, टैटू बिनका भी है। तो इनको जो है अभी मुझे सेपरेट जो है इनको रिपोर्ट करना है, पर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस वजह से मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है ये मेरे प्लांट्स इतने अच्छे चल रहे ख़राब ना हो जाए। ऊपर में जो आपने देखा वो क्रोसेंड्रा था, और ये देखिए ये है बालसम, इधर ये बिनका, और देखिए रेन लिली भी बहुत अच्छे से देखिए आज काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ्लावर्स खिले। एक और बालसम इसमें वाइट, इसमें सारे कलर्स है, अबोली है, पिंक है, और देखिए वर्बिना अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ऊपर में सारे जो है मैंने इसमें रजनीगंधा के प्लांट्स रखा है ट्यूब रोज, और इनमें भी जो है अभी कल परसों में अभी फूल खिल जाएंगे। और इधर ऊपर में जरबेरा, और इधर ये पेंटास के मेरे पास में 5 कलर है, वाइट, रेड, पिंक और डार्क पिंक, लाइट पिंक, इस तरह से सारे शेड हैं। और ये देखिए कैलेंचो में भी देखिए यहाँ पे ये भी हाइब्रिड वाले कैलेंचो अभी भी मेरे पास में जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो कटिंग आप देख रहे हो हिबिस्कस की मैंने ग्रो की थी, तो इसमें जो है देखिए इस तरह से बर्ड बन चुकी है, इसमें जो है अभी जो है फ्लावरिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो और ये लैंटाना है जिसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था, इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए डायंथस भी अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पर अभी पता नहीं बारिश में इनका क्या हाल होगा। डायंथस तो अभी मेरे यहाँ बचे हैं गर्मियों में और थोड़ी बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं, पर इनका साइज़ जो है छोटा हो गया। देखिए सेल्विया भी मेरे पास में अभी बचे हैं 2 प्लांट, इनमें भी जो है थोड़ी बहुत अभी इसमें जो है फूल खिल रहे हैं। और यहाँ पर ये ऑक्सेलिस ट्रायंगुलरिस इसे बटरफ्लाइज भी बोलते हैं, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत जो है पिंक कलर के इसमें फूल खिल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पर्पल में, ये लाइट पिंक कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जैसे इंडोर प्लांट में मेरे पास में जैसे ये पीस लिली के फ्लावर्स ये भी खिल रहे, पर ये देखिए गर्मी के कारण जो है थोड़े से झुलस गए हैं इसके फ्लावर, इसकी पत्ते, इनको जो है मैंने आउटडोर में पर शेडी वाले प्लेस में रखा है, पर फिर भी ये हीट के कारण, गर्म हवा के कारण इस तरह से ये थोड़े जल से गए हैं। सो फ्रेंड्स ये थे वो सारे 52+ वेराइटीज़ के फूल जो मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, वैसे तो बहुत बहुत सारे हैं। तो मेरा ये आज का फूलों वाला गार्डन का टूर आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।